तो आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है 5:20 और ऊटी से आने के बाद ये मेरा फर्स्ट एक्चुअली व्लॉग होगा। एंड अभी आप लोग फिर से सोच रहे हैं कि मैं फिर से बाहर से ही व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज संडे होता है तो संडे थोड़ा बिजी होता है, क्योंकि संडे ऐसा डे है जो थोड़ा सा सैटरडे रात को हम लोग थोड़ा लेट सोते हैं, संडे सुबह भी देर से उठते हैं, उसके बाद कुकिंग वगैरह ये सब करते करते थोड़ा लेट हो जाता है, और इसलिए मैंने घर से शूट शुरू नहीं किया, टाइम नहीं था हमारे पास, तो अभी मैं बाहर से ही शूट शुरू कर रही हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं फिनिक्स मार्केट, और यहाँ पे आप लोगों को पता ही है वीकेंड में ऐसा एक टाइम है कि मैं कहीं ना कहीं शॉपिंग मॉल तो जाती ही हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग मॉल में सब कुछ हो जाता है, खाना पीना घूमना शॉपिंग मूवी देखना सब कुछ हो जाता है, तो मज़ा आता है एक ही जगह पे। तो अभी सबसे पहले एक्चुअली हम लोग काफ़ी पहले निकले थे, ऑलमोस्ट 4 PM को, और उसके बाद हम लोग सबसे पहले एक फर्नीचर शॉप गए थे, वहाँ पे एक्चुअली हमें थोड़ा सा एक कॉफ़ी टेबल लेना है, तो इसलिए वो सब देखना था, क्योंकि होम सेंटर से पहले सोचा था लेंगे, तो वो होम सेंटर का सारे चीज़ें तो पहले मतलब बार बार जाते हैं वहाँ पे तो देख के आ ही गए हैं। तो यहाँ पे घर के सामने एक फर्नीचर शॉप है, तो वो भी अच्छा ही है, वहाँ पे भी अच्छा कलेक्शन होता है, तो वो हम लोगों ने पहले चेक किया, तो चेक करने के बाद अभी हम लोग होम सेंटर जा रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली एक हमको पसंद आ गया है कॉफ़ी टेबल, वो अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि लौटते टाइम ऑर्डर करेंगे, घर के नज़दीक ही है वो। अभी होम सेंटर फिनिक्स जा रहे हैं, और यहाँ से देखते हैं क्या करते हैं, होम सेंटर तो जाएंगे, वहाँ से भी थोड़ा बहुत कुछ तो लेना है, एंड मैं भी सोच रही हूँ कुछ शॉपिंग कर लूँ। सोचती हूँ जब भी मैं आती हूँ, बहुत कुछ सोच के आती हूँ कि ये लूँगी वो लूँगी, बट जब लेने जाती हूँ तब होता है ना कि जो पसंद आता है उसका शायद से साइज़ अवेलेबल नहीं होता है, और जिसका साइज़ अवेलेबल होता है वो मुझे इतना पसंद नहीं आता है। तो देखते हैं, इस बार भी मैं सोच के आई हूँ कि मैं शॉपिंग करूँगी, कुछ तो लूँगी, बट देखते हैं मुझे जो पसंद आता है उसका साइज़ मिलता है कि नहीं, वो सब देखते हैं कितना हम करते हैं। तो चलिए चलते हैं, ऑलमोस्ट आ ही गए, जस्ट नज़दीक ही है, बट बैंगलोर का ट्रैफिक एज ऑलवेज मैं आप लोगों से बोलती रहती हूँ, बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेटिंग है। आधे घंटे का डिस्टेंस कवर करने में हमको 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो काफ़ी टाइम से एक्चुअली थोड़ा ट्रैफिक में फंसे हुए थे, एकदम नज़दीक अगेन फिर से हम लोगों को ही रुका दिया, अभी जस्ट कार सब गए, फिर से हम लोगों को ही रोकना पड़ा। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है बैंगलोर के ट्रैफिक भाई, इतने सारे, एक्चुअली बैंगलोर के बाद मुझे मुंबई के ट्रैफिक और ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पे मुझे लगता है वहाँ पे मतलब और ज़्यादा ट्रैफिक है, हर रोड फुल रहता है, कभी भी खाली मिलता ही नहीं है। ठीक है, अभी क्या करें, ऐसे ऐसे जगह मैं जाती हूँ जहाँ पर बहुत ट्रैफिक मिल जाता है। चलिए अभी ऑलमोस्ट आ गया, अभी फिर से मैं मॉल के अंदर जाके आप लोग से बात करती हूँ।
गई क्योंकि कुछ तो सामान लेना है घर के लिए, वो सभी लेने जा रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। देख सकते हैं मैं, हम लोग अभी एक्चुअली शॉपिंग मॉल से निकल गए हैं। होम सेंटर में शॉपिंग करने के बाद थोड़ा बहुत घर के लिए जो भी खरीदना था वो सब खरीदा, वो मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली घर पे जाके शेयर करूँगी। और उसके बाद लाइफस्टाइल भी गए, वहाँ से भी एक दो कपड़े लिया है, बट वो मैं अभी नहीं दिखाऊँगी, जब पहनूँगी तब दिखाऊँगी, कुछ तो सरप्राइज़ होना चाहिए ना। तो बस अभी घर जाएंगे, अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 9:25 एक्चुअली हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग के तरफ, उसके बाद घर जाएंगे। एक्चुअली आज हमको कॉफ़ी टेबल भी लेना था, पता नहीं दुकान अभी तक मतलब खुला रहेगा कि नहीं। वैसे तो बोला है कि 9 PM तक खुला रहता है, बट देखते अगर खुला रहे तो ऑब्वियसली वो भी ऑर्डर कर देंगे, और नहीं तो कल सुबह मैं सोच जाते हैं, देखते क्या होता है। चलिए फ़िलहाल तो जाते और देखते अभी फिर से, नहीं तो वही यहाँ का जो एज़ ऑलवेज प्रॉब्लम ट्रैफिक का वो तो मिलेगा ही। बट अभी तो संडे और रात भी हो गई तो इतना तो ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। बहुत ठंडी हवा है एक्चुअली, मॉल के अंदर मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ठीक से कहीं पे भी एसी नहीं चलता यहाँ पे, मुझे बिल्कुल भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो बाहर बहुत ठंडी हवा है, बहुत आराम लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग अभी निकल गए मॉल से, अभी घर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी देर तक एक्चुअली हम लोग मॉल में थे, पता ही नहीं चलता है ना जब मतलब बाहर जाते हैं शॉपिंग करने, तब सच्ची में लगता नहीं कि इतना टाइम भी बीत गया। हम लोग ऑलमोस्ट 5:30 बजे पहुंचे थे और अभी 9:45 हो रहा है, तो इतना घंटे हम लोग बिता दिया। मतलब एक्चुअली होता है ना कुछ, जब देखते हैं और ख़रीदना होता है तो और ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, क्योंकि ज़्यादा सब सामान देख के फिर ख़रीदते हैं ना, और इसीलिए थोड़ा टाइम भी लग गया। और अभी तो अभी रोड एकदम खाली मिल रहा है, इतना भी ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। आई थिंक आज हम लोग शायद से कॉफ़ी टेबल ऑर्डर नहीं कर पाएंगे क्योंकि शॉप बंद हो गया होगा, क्योंकि 9 बजे तो बंद होता ही है। देखते फिर भी शॉप के सामने से ही जाना है, अगर खुला रहे, आई होप के खुला रहे, तो जाके ऑर्डर करके आएंगे। अभी चलिए चलते, थोड़ा थक गई हूँ मैं क्योंकि इतना चलना पड़ा और कहीं बैठने का भी नहीं था, कहाँ बैठते वैसे भी मॉल में, तो पैर थोड़ा सा दुख तो रहा है, देखते हैं। और भूख बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इवनिंग में जाके ही खा लिया था, तो अभी तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, देखते हैं। रात को मैं कुछ घर पे बनाती हूँ कि कुछ ऑर्डर करती हूँ, वो भी डिसाइड तो नहीं किया हुआ है। मैं अभी डायरेक्टली घर पे जाके आप लोग के साथ बात करूँगी और दिखाऊँगी भी कि मैंने क्या क्या लिया है। चलिए चलते हैं।
शॉप है, मतलब फर्नीचर शॉप था, वो खुला था, तो हम लोगों ने जो कॉफी टेबल पसंद किया था वो ऑर्डर कर लिया है और वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, डिलीवरी नेक्स्ट वीक को मिलेगा। और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग। ओ हाँ, और एक चीज़, हम लोगों ने खाना भी ऑर्डर कर लिया क्योंकि बहुत लेट हो गया, ऑलमोस्ट 11 बजे, क्योंकि कॉफ़ी टेबल फर्नीचर शॉप में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा ना एक बार फाइनली देख के सब कुछ करके लेने में, तो वो बिलिंग भी करना था और वहाँ पे एक्चुअली भीड़ भी था, कुछ लोग भी थे जो लोग भी बिलिंग कराए थे, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। और जस्ट घर पे है, मैंने जस्ट चेंज किया, अभी तक फ्रेश भी नहीं हुई, मैं मेकअप वैसे का वैसा ही है, अभी सबसे पहले तो मैं फ्रेश हो जाती हूँ, एंड इसीलिए इतना लेट हो गया है तो बहुत थकान भी हो रहा है, तो मन नहीं हो रहा है कि मैं कुछ खाना बनाऊँ, तो मैंने जस्ट खाना ऑर्डर कर लिया है और अभी मैं फ्रेश होके आ जाती हूँ, देन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या होम सेंटर से खरीद के लाई हूँ। और हाँ, मैंने कुछ अपने लिए भी लिया है, जो लाइफ स्टाइल से लिया है, डब्लू का एक कुर्ती, एंड का भी शॉप से, एंड के शोरूम से भी मैंने दो ड्रेस और दो टॉप तो लिया है, लेकिन वो सब मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, वो जब मैं पहनूंगी तब दिखाऊंगी, तो क्योंकि नहीं तो आप लोगों के लिए कुछ न्यू नहीं लगेगा, सरप्राइज नहीं लगेगा, तो जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। सबसे पहले तो मैं फ्रेश हो जाती हूँ। हे गाइस, तो आज है एक्चुअली नेक्स्ट डे मंडे दोपहर, और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2 PM। और कल मैंने सोचा था कि कल ही रात को मैं शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या सामान खरीदा है होम सेंटर से, बट वो मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि कल इतना लेट हो गया था और बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, क्योंकि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो इतना ज़्यादा थकान हो जाता है ना, ज़्यादा घूमना फिरना भी पड़ता है, तो देन बाद में खाना भी आ गया था तो खा के हम लोग बस सो गए, और मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं कुछ करूँ, शूट भी करूँ, क्योंकि इतना मैं थक गई थी और इतना नींद भी आ रही थी। तो आज भी सुबह से थोड़ा सा बिजी थी, ये सब खाना वाना बनाना, जो भी घर का थोड़ा बहुत तो काम रहता ही है, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन ऐसा होता है मैं कुछ भी काम घर पे नहीं करती हूँ, इवन 2 दिन ही मैं बाहर से, मतलब जनरली बाहर ही खाती हूँ मैं। जैसे मैंने थोड़ा डस्टिंग का भी काम किया, तो देन खाना भी बनाया, और खाना मैंने बहुत सिंपल बनाया, 2 दिन बैक टू बैक बाहर का खाई हूँ, तो मैंने आज सिंपल खिचड़ी बना लिया, तो वही बस खाऊंगी बाद में। और हाँ, मेरा नहाना वगैरह सब कुछ हो गया है, और अभी मैं बताती हूँ कि मैंने कल क्या क्या सामान लिया था होम सेंटर से, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूँ, मैंने ऐसे बॉटल्स लिए हैं, ये वाले जो बॉटल्स आते हैं ना होम सेंटर में, ऐसे बहुत सारे कलर्स के होते हैं, तो मैंने ऐसे रेड कलर के दो लिए हैं, ये एक लिया है और यहाँ पे और एक, ऐसे दो मैंने रेड कलर के बॉटल्स लिए, ये मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रखना है मुझे, क्योंकि डाइनिंग टेबल के ऊपर भी कुछ तो, मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरा घर का जो पूरा इंटीरियर है वो ब्राउन एंड वाइट कॉम्बिनेशन में, ब्राउन वाइट या फिर ब्राउन एंड बेज कॉम्बिनेशन में है, तो ये कॉम्बिनेशन जो ये तो बहुत ही अच्छा दिखता है, क्लासी दिखता है, बट थोड़ा सा कभी बोरिंग भी लगता है, तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि हर एक रूम में एक एक मैं ऐसे कलर्स का डेकोरेटिव आइटम्स ले रही हूँ, ताकि होता है ना एक कुछ अलग कलर्स दिखे तो वो और एक ब्राइटनेस दिखेगा कलर्स का, तो वो और अच्छा ब्यूटीफुल दिखता है, तो मैं डाइनिंग टेबल पे ऐसे रेड कलर का थीम दे रही हूँ, तो मैंने ऐसे रेड कलर के दो बॉटल्स लिए हैं। और मेरे बेडरूम का जो थीम है वो ग्रीन थीम है, वो मैं किसी और दिन आप लोगों को शेयर करूंगी कि मैंने कैसे वो डेकोरेट किया है। ऐसे रेड कलर के दो बॉटल्स लिए मैंने डाइनिंग टेबल के लिए, और ऐसा एक ये वाला ब्लू, ब्लू नहीं है एक्चुअली, एक्वा या टाक्वेज जो भी कलर बोले वो कलर का है, ये एक्वा कलर का एक बॉटल है, ये मैंने कॉफी टेबल के लिए लिया, क्योंकि मेरे कॉफी टेबल का वहाँ का थीम है, ये वाला ब्लू दे रही हूँ, तो ये वाला ब्लू मैंने बॉटल लिया। और मैं ऐसे ही दो छोटे छोटे मैंने कैंडल होल्डर भी लिया, ऐसे टाइप के दो छोटे छोटे मैंने कैंडल होल्डर भी लिया है, ये तो नॉर्मल सिल्वर कलर का है, मैंने ऐसे ही ब्लू कलर का लिया, वो भी मेरे लिविंग रूम के लिए, वो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी रख दिया है वहाँ पे सेट करके, ये चीज़ लिया। और हाँ, और मैंने लिया है यहाँ पे एक ऐसा डिफ्यूज़र जो होता है ना, इसके अंदर ये ऑयल डालना होता है, एंड उस पर ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो भी ये बैम्बू स्टिक होता है ये इसके अंदर डाल देना पड़ता है, तो इससे पूरे घर में अच्छा स्मेल रहता है। और मैं मुझे डिफ्यूज़र, एसेंशियल ऑयल्स,
ये सब बहुत पसंद है, बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है, घर अच्छा स्मेल हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये सब लेती रहती हूँ। और मेरे पास ऐसा ही डिफ्यूजर एक ग्रीन कलर का भी है जो मेरे बेडरूम में रखा है, ये शायद से फ्रेश लिनन का कुछ तो स्मेल है, ये स्मेल भी अच्छा है, मैंने तो देखा है उसका। मेरे बेडरूम में भी ऐसा सेम डिफ्यूजर है बट वो ग्रीन कलर का है, उसका जो एसेंशियल ऑयल का स्मेल है वो है लेमन ग्रास, तो वो एक्चुअली एसेंशियल ऑयल खत्म हो गया, तो मैंने एक और ऐसा भी एसेंशियल ऑयल लिया, ये भी लेमन ग्रास का ही है। और मैंने ऐसे फ्रेग्रेंस के जो सैशेज होते हैं ये भी लेमन ग्रास का मैंने लिया है, ये 4 का पैक आता है, एक मैंने ऑलरेडी लिविंग रूम में लगाया है, तो ये 4 का पैकेट आता है, तो इसमें 4 है अभी भी और 3 बाकी है। और ये इसमें और एक चीज लिया है, ये बॉक्स में आता है 3 कैंडल्स, मतलब कैंडल होल्डर के साथ ही कैंडल्स आता है ऐसे बॉक्स में, देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने ये भी रखा है बाहर, तो ये ऐसे 3 आता है, ये भी मैंने एक लिया है एक बॉक्स। और इसका आई थिंक जो स्मेल है वो आई थिंक वैनिला का है, यहाँ पे अभी लिखा तो नहीं दिख रहा है मुझे, अच्छा नहीं सॉरी फ्लोरल ब्लॉसम है इसका जो स्मेल है, तो ये भी काफी अच्छा है एक्चुअली। हाँ वैनिला मुझे इतना भी ज्यादा पसंद नहीं आता, तो ये काफी अच्छा है इसका स्मेल, ये मैं हमेशा लेना पसंद करती हूँ। और एक चीज मैं लिया, मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं कि मैं ये सब डिफ्यूजर्स एंड सब एसेंशियल ऑयल के मतलब मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने और एक चीज लिया है, ये मैंने अपने बेडरूम के लिए लिया हुआ है, ये एक डिफ्यूजर, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल डिफ्यूजर है, इसका बॉक्स आई थिंक, एक मिनट दिखाती हूँ, ये वाला डिफ्यूजर लिया है मैंने, अरोमा एलईडी डिफ्यूजर, आप लोग देख पाए, ये वाला मैंने लिया है एक, ये एक्चुअली मेरे पास कब से मन था कि मैं ये वाला लू, क्योंकि ये सच में अच्छा होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऑलवेज ये सब डिफ्यूजर्स जो होता है ये कंटिन्यूअसली मतलब स्मेल आएगा, क्योंकि ये ओपन है खुला रहता है, लेकिन ये वाला मुझे ऐसा एक चाहिए था, क्योंकि ये ऐसे जब सिर्फ मैं स्विच ऑन करूंगी तभी डिफ्यूजर से मतलब स्मेल आएगा, तो इसमें कैसे इसको यूज करते हैं ये भी मैं आप लोग साथ एक दिन जरूर शेयर करूंगी। ये एक चीज मैंने लिया है, और क्या लिया, हाँ और मैंने लिया है ये एक चीज, ये है 2 टेबल नैपकिन जो होता है ना, हाँ प्लेट्स के नीचे आप रखते हैं टेबल नैपकिन, ऐसा मैंने ये 2 लिया है, एक पैकेट में 2 आता है ऐसा, तो ये वाला मैंने एज अ टेबल नैपकिन मैंने नहीं लिया, ये मैंने लिया जनरली, मैंने पहले ही बोला मुझे मैं जो लिविंग एरिया वहां का मैं कलर का थीम दे रही हूँ, ये एक्वा कलर एक्वा वाला थीम दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये 3 चीज लिए, एक तो बॉटल, एक डिफ्यूजर और ये वाला मैट, इसको मैं एज अ टेबल रनर यूज करूंगी, बट टेबल रनर तो मिल रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तो डाइनिंग टेबल रनर था, बहुत बड़ा हो रहा था, फिर भी मैंने सोचा था उसको कट करके यूज कर सकती हूँ मैं कॉफी टेबल के लिए लेकिन वो भी ऐसे ही 1 पैकेट में 2 आ रहा था, लेकिन मैं 2 लेके क्या करती, एक आता तो मैं वो ले लेती, थोड़ा छोटा बड़ा होता तो मैं कट करके यूज करती, बट मैं ये इतना बड़ा डाइनिंग टेबल का रनर मैं 2 लेके क्या करूंगी, और मैं डाइनिंग टेबल पे ब्लू कलर भी नहीं दे रही हूँ, मैं रेड कलर का थीम यूज करूंगी, तो मैंने वो नहीं लिया है, एंड मैंने यही वाला यूज किया, ये कॉफी टेबल के लिए एकदम परफेक्ट साइज हो रहा है, तो मैंने ये वाला खरीदा है। एंड मैंने लिया है ये एक चीज, एक मिनट में दिखाती हूँ, और मैंने लिया ये एक चीज, ये जो चीज है ये एक मुखवास मतलब रखने का कंटेनर है, ये 2 में ऐसे मुखवास होता है, एंड इसमें सॉल्ट एंड पेपर जो तो होता है, वुडन है ये इसका लेड, और इसके अंदर जो स्पून है वो भी मतलब ग्लास के ही है, बहुत अच्छे है, मैं तो ऑलरेडी यूज करने भी लगी, और इसका जो ट्रे बोल सकते हैं ये भी वुडन ही है, तो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, ये बहुत अच्छा है। और हाँ मैंने एक कोस्टर भी लिया हुआ है, ये भी सेम ऐसे वुडन है, वो भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, और साथ ही साथ मैंने ऐसे 2 कंटेनर्स लिए, ये एक छोटा कंटेनर लिया है और ये वाला एक बड़ा कंटेनर लिया है, ये जनरली मैं फ्रिज में जब भी
कोई मतलब नॉनवेज आइटम होता है तो वो रखने के लिए मैं ये दो कंटेनर लिया है। ये थोड़ा आई थिंक साइज में बड़ा हो गया, बट ठीक है चलेगा। इसका साइज सही था, मुझे एक ऐसा छोटा साइज का चाहिए था और एक इससे थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा था तो मैंने यही लिया, क्योंकि और कोई बीच में मतलब इन दोनों साइज के बीच का कोई साइज नहीं मिला मुझे, तो मैंने यही वाला दो लिया। तो बस मैंने अभी तक तो फिलहाल यही सारा सामान लिया हुआ है, जो भी लिया मैंने वो सब कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर ऑलरेडी कर दिया है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का जो होम सेंटर का भी शॉपिंग हॉल अच्छा लगा है। सो गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपको मेरा वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब कोई पैसे ही नहीं लगते यूट्यूब पे कोई भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जस्ट एक रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन होता है उसको क्लिक करना होता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता है। लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज आप चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वो बेल बटन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी जाके आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा एंड आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।